हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक संघ के प्रधान डॉक्टर जीवानंद चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन करते हुए प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने सभी जिलों के पदाधिकारियों और केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के विचारों को रखने का और मुख्य मुद्दा हमारे अनुबंधित मेडिकल ऑफिसर को सरकार द्वारा घोषित 150 डिग्री ग्रेड पे न देने के मुद्दे को रखा। सभी ने एकमत से ये पारित करा कि ये ग्रेड पे 2016 से सरकार ने अपने अनुबंधित कर्मचारियों को देना शुरू किया था, जो आज धीरे धीरे सरकारों की समय पर अधिसूचना के आधार पर बढ़ते बढ़ते आज 150% हुआ है, जिसका लाभ प्रदेश सरकार के सभी अनुबंधित कर्मचारियों को मिल रहा है और उसके साथ ही हमारे मेडिकल अधिकारियों को भी मिल रहा था। लेकिन प्रदेश में कुछ ब्लॉक्स में इसको लागू भी नहीं किया जा रहा था और उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इसको सरकार के समक्ष रखने के बाद सरकार का जो उत्तर मिला है वे बिल्कुल भी संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि उस पत्र में 2011 और 2013 की अधिसूचना मेडिकल अधिकारियों के संदर्भ का जिक्र किया गया है। महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि वे पत्र उस समय के हैं जब चिकित्सा अधिकारियों को रोगी कल्याण समिति के द्वारा अनुबंध पर रखा जाता था और अब चिकित्सा अधिकारी राज्य अनुबंध पर रखे जाते हैं और वे भी वैसे ही दूसरे अनुबंधित कर्मचारियों की तरह है, जैसे सभी अन्य विभागों में अनुबंधित कर्मचारी हैं और इन मेडिकल अधिकारियों को वैसे ही ग्रेड पे का 150% मिल रहा था जैसे बाकी कर्मचारियों को मिल रहा था। लेकिन सरकार के गोलमोल जवाब की वजह से अभी नौजवान चिकित्सा अधिकारियों के इस 150% ग्रेड पे तलवार लटक गई है। कुछ ब्लॉकों में तो नई सैलरी इसको डिडक्ट करके बनाई जा रही है। संघ ने एकमत से प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि अगर 1 अगस्त को हमारे किसी भी नौजवान अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी की अगर 150% ग्रेड पे कटी या नहीं मिली तो 2 तारीख से हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर संघ के सभी चिकित्सक काली बिल्ले लगाकर अगले 7 दिनों तक काम करेंगे और अगर उन 7 दिनों में भी हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की शुरुआत की जाएगी, जो अगले 7 दिन तक चलेगी और अगर उसमें भी हमें इंसाफ नहीं मिला तो पूर्णतया बंद किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी सरकार की होगी। संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि ये हमारे नौजवान चिकित्सा अधिकारियों के मनोबल को गिराने वाला है। प्रधान डॉक्टर जीवानंद चौहान ने कहा कि जल्द ही संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य सचिव से मिलने का समय मांग रहा है और अगर वास्तविक मुलाकात संभव ना हो सकी तो वर्चुअल मीटिंग का समय मांगा जाएगा और जल्द से जल्द इन नौजवान अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार से गुजारिश की जाएगी, क्योंकि कोरोना जैसी इस महामारी के दौरान हमारे ये नौजवान चिकित्सा अधिकारी जोरदार काम कर रहे हैं और दूर दराज और दुर्गम इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस वर्चुअल मीटिंग में संघ के सलाहकार डॉक्टर ओमपाल शर्मा, उप प्रधान डॉक्टर अनुपम भर्दन, डॉक्टर दिलबाग ठाकुर, डॉक्टर सनी धीमान, डॉक्टर विजय राय, डॉक्टर मोहित डोगरा, डॉक्टर विशाल जम्बाल, डॉक्टर प्रवीण चौहान, डॉक्टर चांदनी राठौर और अन्य ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर संघ की आज एक वर्चुअल बैठक हुई केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी की और उसमें एक मत से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि हमारे अनुबंध चिकित्सकों को अगर 150% ग्रेड पे जो सारे हिमाचल प्रदेश के अनुबंध कर्मचारियों को मिल रहा है अगर वो नहीं दिया गया और 1 तारीख को हमारे किसी भी चिकित्सा अधिकारी की जो है वो पे काटी गई या डिडक्ट की गई और जिनको नहीं मिल रही है उनको नहीं दी गई तो 2 तारीख से संघ जो है वो काले बिल्ले लगाकर अगले 7 दिन तक कार्य करेगा और उसके बाद अगले 7 दिन 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक रखेगा और अगर उसमें भी बात नहीं बनी तो संघ जो है पूर्ण बंद करने में भी कोई संकोच नहीं करेगा। हम सरकार को पिछले 2-3 महीनों से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वेतन विसंगति को जो है वो दूर किया जाए, लेकिन कोई भी सरकार का जो रवैया है वो थोड़ा ढुलमुल दिख रहा है, जवाब जो है वो गोलमोल दिख रहे हैं। इसलिए संघ ने एक मत से ये प्रस्ताव पारित करा है कल जो वर्चुअल बैठक हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी की हुई कि अगर सरकार को 1 तारीख तक समय है, अगर वो हमारे बच्चों की वेतन विसंगतियां दूर नहीं करते हैं तो हम फिर संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे।